शफीक साहब का एक बयान भी आया। क्या बयान आया कि वहाँ पे मस्जिद के छत के ऊपर में जीना होता, वो करताल में जरूर बैठे, वहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं, भूख हटा करे उसको जवाब दे, मांगने का भी अधिकार है क्योंकि मस्जिद तो किसी का बापोती नहीं है कि उसमें कोई जवाब सवाल जवाब ना करे। अगर वही इमाम का अगर पोजीशन अगर डाउटफुल हो जाता है तो ऐसा इमाम का भी मस्जिद में नमाज पढ़ाने का अधिकार भी चला जाता है। बड़ी मस्जिद के अंदर में इस तरह से मारपीट क्यों हो, इस तरह से राजनीति क्यों घुसे वहाँ पे, इस तरह से गंदी पॉलिटिक्स क्यों रचा जा रहा है बड़ी मस्जिद के अंदर में। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर के अंदर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। कुछ मतवली और इमाम साहब के बीच में कुछ गंडगोल हुआ है, तो अब क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है डिटेल्स में तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं दो चार बातें जनरलाइज तरीक़े से हम बोलना चाहते हैं। देखिए, एक मस्जिद होता है अल्लाह का घर, जिसमें कि हर कोई जाकर गरीब से लेकर अमीर तक कोई भी जाकर वहाँ पर जो है कि नमाज अदा करे, अल्लाह को याद करे वहाँ पर। यहाँ पर पॉलिटिक्स जिस तरह से वहाँ पर बड़ी मस्जिद में घुसा हुआ है, ये बहुत ही ख़तरनाक एक चीज़ है हमारा पूरा कौम के लिए। ये यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ते बड़ी मस्जिद में, या आज नाकुदा मस्जिद जो जिस जगह में पैगाम है बंगाल के लोगों का प्लस हिंदुस्तान के लोगों के लिए, वो जगह में इस टाइप का गंदी राजनीति कम से कम नहीं होना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये गुस्सा जो है कि मेरा अकेला का नहीं है, काफ़ी लोगों का ये गुस्सा है कि बड़ी मस्जिद के अंदर में इस तरह से मारपीट क्यों हो, इस तरह से राजनीति क्यों घुसे वहाँ पे, इस तरह से गंदी पॉलिटिक्स क्यों रचा जा रहा है बड़ी मस्जिद के अंदर में। बड़ी मस्जिद तो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी अभी हो चुकी है, पर उसके अंदर में जो वो ढलाई दिया जा रहा है जिसके वजह से ये वहाँ पर ऐसा दंगा भड़का है, तो क्या उसके अंदर में ये बनना सही है? आप खुद एक सिविल इंजीनियर है, तो आपका क्या राय है? नहीं, ये टोटली गैर कानूनी है। वहाँ पर देखिए, ये एक हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है और हेरिटेज में ग्रेड ए हेरिटेज, जिस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल का कैटेगरी होता है या ताजमहल का कैटेगरी होता है मोन्यूमेंट का, कम से कम उस टाइप का कैटेगरी में आ चुका है नाकुदा मस्जिद। वहाँ पे अगर एक ईंट भी किसी ने वहाँ पे हिलाया या एक कोई भी अंदर का स्ट्रक्चर या बाहर का स्ट्रक्चर को कोई तरह का चेंजेस करने का कोशिश किया, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये लाइमलाइट में आया मेरे पास में कल या परसों को आया, मैंने अपना कॉरपोरेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इसका खबर लिया कि किसी ने इजाज़त दिया है कि नहीं है कि बिल्डिंग को किसी तरह से चेंजेस किया जाए, लेकिन हमको जो जानकारी मिला वहाँ से कोई इस तरह का परमिशन नहीं मिला। आप जो वहाँ पे जो चेंजेस किए हैं, हम डिमांड करते हैं कि आप इसको कौम को एक्सप्लेन कीजिए कि आप किसकी इजाज़त से आपने बिल्डिंग का चेंजेस किया नाकुदा मस्जिद का अंदर में। और अगर आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमारे पास नहीं आएंगे तो हम क्रिमिनल केस फाइल करने जा रहे हैं टू टेम्पर विद द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और ग्रेड ए हेरिटेज बिल्डिंग के साथ। कुल देखिए, पॉलिटिक्स का जगह मैंने पहले ही बयान में बोला है कि पॉलिटिक्स का जगह मस्जिद नहीं होता है। अगर कोई भी मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कौम से अपील करता हूँ, अगर कोई भी इस तरह से इन्वॉल्व होने का कोशिश करता है तो उसको पहले पकड़िए, पकड़कर मस्जिद के बाहर निकालिए। ये पॉलिटिक्स का अखाड़ा नहीं है, और कोई भी पॉलिटिशियंस अगर उसका अंदर में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रहे तो उसको भी बाहर कीजिए, चाहे मेरा ही पार्टी से क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर का अंदर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। वहाँ पे जब हम एक तायदतु बिहाजल इमाम बोलकर हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमारे लिए इमाम साहब हो गया सबसे बड़ा ज़रिया मेरे लिए। अगर वही इमाम का अगर पोजीशन अगर डाउटफुल हो जाता है तो ऐसा इमाम का भी मस्जिद में नमाज पढ़ाने का अधिकार भी चला जाता है। पर देखा जा रहा है कि इस मामले में जो वहाँ के जितने भी लोकल रहने वाले हैं या फिर एज अ मुस्लिम, इस मामले में कोई अपना आवाज़ नहीं उठा रहे। नहीं, यहाँ पे बहुत सारा सियासी कारण है। क्या पार्टी से डरते हैं? सियासी कारण है। देखिए एक सीधा सा बात है, अगर कोई वहाँ पे आवाज़ उठाता है तो उसको एक कहीं ना कहीं एक तो डर है, लगा हुआ है कि भाई हमारा जो कंडीशन है, जो आज 43 वार्ड 44 वार्ड का ये जो कुलुटोला जकारिया स्ट्रीट का इलाका है, जिस तरह से आज गुंडागर्दी हो रहा है वहाँ पर, तो सब कोई जाहिर सी बात है पीस लविंग आदमी जो है वो डरेगा ही, और डर जायज़ है। लेकिन हम जब एक राजनीतिक दल से हम हैं और हम आवाज़ उठाएंगे अपना कौम के लिए, तो हम किसी से ना डरेंगे सिवाय अल्लाह के। पर आज देखा कि आज सुबह करीब 10:30 बजे के बीच एक शख्स ने आवाज़ उठाया, अब नाकुदा मस्जिद के गेट में वो भूख हड़ताल में बैठ गया, पर वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ से उठा दिए। वो हालांकि नाकुदा मस्जिद के ऊपर चढ़ गया सुसाइड करने के लिए, वो सुसाइड कर सकता था पर वहाँ के लोग रोक लिया और वहाँ से फिर पुलिस ने आके उसको उठा के लेके चले गया। तो जब एक शख्स आवाज़ उठा रहा तो उसको भी रोका जा रहा है। नहीं, ये तो देखिए कोई
सुइसाइड अटेम्प्ट करेगा ये तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, ये गलत बात है। सुइसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी जिंदगी अधिकार है, वो तो बैठ सकते हैं नहीं, भूख हड़ताल में ज़रूर बैठे, वहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं। भूख हड़ताल करे, उसको जवाबदेही मांगने का भी अधिकार है, क्योंकि मस्जिद तो किसी का बापोती नहीं है कि उसमें कोई जवाब सवाल जवाब ना करे। अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो ज़रूर उसमें जो है कि जमात का जब आदमी है तो वो सवाल करेगा ही, और सवाल का जवाब मतवली को भी देना होगा और सवाल का जवाब इमाम साहब को भी देना होगा। तो आज जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप इस मामले में आगे बढ़ेंगे, आप स्टेप लेंगे, तो एज अ कांग्रेस के लीडर होने के नाते या फिर एज अ मुस्लिम होने के नाते? नहीं, सबसे पहला चीज़ मेरा पहचान क्या, ईमान है मेरा, ईमान के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वहाँ पे सियासत होना ही नहीं चाहिए, और अगर सियासत वहाँ पे घुस रहा है तो जो सियासत कर रहे हैं मस्जिद के अंदर में उनको पहले पकड़ कर बाहर निकलना चाहिए, ये गलत बात है। देखिए मैं एक इंसिडेंट और बता देता हूँ। देखिए अभी जब ये इंसिडेंट हुआ, जब चारों तरफ फ्लैश हुआ कि इस तरह से घटना हो रहा है वहाँ पे बड़ी मस्जिद के अंदर में, तो शफीक साहब का एक बयान भी आया। क्या बयान आया कि वहाँ पे मस्जिद के छत के ऊपर में जीना होता है, इससे दुख का बात क्या हो सकता है? आप बोलिए, अब बड़ी मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे 3 साल पहले ये घटना घटा, तो अब 3 साल पहले तक आप क्या कर रहे थे वहाँ पर मस्जिद के अंदर में? आपको जब मालूम था तो आप आज तक क्यों चुप रहे हैं वहाँ पर? ये जवाब कौन पूछेगा आपसे? जवाब तो हमको पूछने का अधिकार है और आपको जवाब देना होगा, और जवाब नहीं दीजिएगा तो कौम अपना हिसाब खुद ले लेगी। जहाँ देखा जा रहा है हिंदुस्तान में यूपी में मदरसों को तोड़ा जा रहा है, वहीं एक मस्जिद के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ रहे, तो क्या ये कब तक ऐसा चलते रहेगा? देखिए सही है ये देखिए ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये सोसाइटल प्रॉब्लम इतना एक लफ्ज में आंसर नहीं दिया जा सकता है। क्यों आज जो है हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा इंडिया में, एक कौम को दूसरा कौम से लड़ाया जा रहा है, तो आज जिस तरह से नफरत का राजनीति चल रहा है चारों तरफ से, कोई दो भाई आपस में भिड़ जा रहे हैं, ये भी तो एक नफरत का ही राजनीति है, कोई ना कोई नफरत का जहर उनका अंदर में डाला तब जाकर लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका नखुदा मस्जिद का जो है वो ये है कि आपस में सब कोई बैठे, वहाँ पर एक कमेटी बनाए जो कि गवर्निंग करे किस तरह से, उसमें मतौली भी रहेंगे, इमाम भी रहेंगे, और मिल कर जो है कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको लेकर एक बढ़िया तरीका से किस तरह से मस्जिद को चलाया जाए उस तरह से आगे सोचकर बढ़ा जाए। लेकिन मेरा एक ही चीज़ का डिमांड है सबसे, मेरा कौम से या मस्जिद का जो अभी ऑर्गेनाइजर्स लोग है जो वहाँ पे कमेटी वगैरह में है वहाँ पे, या मतवली साहब से या इमाम साहब से, आप सब बैठ जाइए, एक साथ बैठ कर इस मसला का हल निकालिए। नहीं तो जो हमारा नखुदा मस्जिद, जो हमारा एक इज्जत का जगह है, जहाँ पे हम एक पूरा कलकत्ता पूरा बंगाल का एक बोला जाए तो एक नंबर का मस्जिद है आज नखुदा मस्जिद, उस जगह में अगर इस तरह से गंदा राजनीति करिएगा तो ये हमारा कौम का बदनामी होगा। मेरा जोड़ हाथ आप सबसे विनती है कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक कीजिए, वरना जो है कि वहाँ पर सबका एक ईमान का मैटर है, सबका एक आस्था का मैटर है, वो ख़राब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।